हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा में हुए प्रश्नों को देखेंगे जो हमें जरूर बोर्ड एग्जाम में कुछ सहायता प्रदान करेंगे। तो चलिए जल्दी से इसके प्रश्नों पर चलते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है जो कि क ख ग करके दिया हुआ है। इसमें क वाला प्रश्न है, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो बल होगा। इसमें आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन 1 दो गुना, ऑप्शन 2 3 गुना, ऑप्शन 3 4 गुना, ऑप्शन 4 8 गुना। तो इसका जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी 4 गुना हो जाएगा। ख वाला प्रश्न है, एक बंद प्रस्थ के भीतर यन वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद प्रवाह से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। तो इसमें भी आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से आपका ऑप्शन डी 0 सही है। ग, एक बेलनाकार तार को खींचकर उसकी लंबाई का 3 गुना कर दिया जाता है, यदि प्रारंभ में प्रतिरोध 10 ओम है तो खींचने के बाद प्रतिरोध होगा। इसमें भी आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 90 ओम होगा। घ, किरचाफ का प्रथम नियम आधारित है, तो किरचाफ का प्रथम नियम जो है आवेश संरक्षण पर आधारित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यहीं पर किरचाफ का द्वितीय नियम जो है वह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अगला वाला है, एक टेस्ला में गॉस होते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। क, प्रत्यावर्ती धारा एसी का मान एक पूर्ण चक्र के लिए कितना होता है? तो प्रत्यावर्ती धारा एसी का मान जो होता है पूर्ण चक्र के लिए निकालने के बाद 0 होता है। भंवर धाराएं क्या हैं? तो सब आपको परिभाषाएं दी हुई हैं लिखने के लिए, अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका सलूशन आपको दे दूंगा, आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। ग, लेंज का नियम लिखिए। घ, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये तो आप वैसे ही बता देंगे। अंग, एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो लंबे सीधे समांतर तारों ए व बी से 8 एम्पियर एवं 5 एम्पियर की धाराएं प्रवाहित हो रही हैं, तार एक के 10 सेंटीमीटर खंड पर बल का मान कितना होगा? ये न्यूमेरिकल है, आपको लगाना होगा। अब तीसरा प्रश्न है जिसमें से आपको चार का वाला प्रश्न है, एक बद्ध चुंबकीय फ्लक्स की समीकरण बी बराबर 40³ - ht² + 10t वेबर है, तब समय t बराबर 2 सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा? सवाल है, आप लोगों को लगाना पड़ेगा। ख, गॉस के प्रमेय क्या है, सत्यापित करो। ग, 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 10 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रवाह क्षेत्रफल की एक आयताकार कुंडली 20 रेडियन प्रति सेकेंड के नियत कोणीय वेग से घूम रही है, उत्पन्न अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। घ वाला है, व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत एवं क्रिया विधि को चित्र सहित समझाइए। अंगा, निरीक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र का निगमन करो। इसमें से आपको 5 प्रश्न दिए हुए हैं जिसमें से 4 ही करना है। अब चौथा प्रश्न है, कोई 4 प्रश्न करो, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। इसमें भी आपको क ख करके अंग तक दिए हुए हैं जिसमें से आपको 4 ही क्वेश्चन करने हैं। तो पहला वाला है, सिद्ध करो कि कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा यू बराबर ½ LT² जूल होती है। ख वाला प्रश्न है, किसी परिपथ में 0.1 सेकेंड में धारा 5 एम्पियर से 0 तक गिरती है, यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट है तो परिपथ में स्वप्रेरकत्व का आकलन करो। ग वाला, जब परिपथ में प्रतिरोध R व धारिता C हो तो परिपथ की प्रतिबाधा एवं कालांतर के लिए सूत्र स्थापित करो। घ वाला, 6×10⁴ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में 3×10⁷ मीटर प्रति सेकेंड से गतिमान इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या ज्ञात करो। वाला दिया हुआ है, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व के लिए सूत्र का निगमन करो। पांचवा प्रश्न है, कोई 3 प्रश्न करो, प्रत्येक प्रश्न 6 अंक के हैं। ओम का नियम क्या है, इसका सत्यापन करो। ख, दिए गए चित्र से ज्ञात करो, इसमें आपको भी इसमें आपको ज्ञात करना है, नंबर 1 प्रतिबाधा, 2 वी और एम एस का मान, सी कालांतर,
ग वाला, दो आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम है तथा आवेशों के बीच की दूरी 0.1 मीटर है। यदि उनके बीच 18 न्यूटन का बल लग रहा है तो आवेशों को का अलग अलग मान ज्ञात करो। घ सिद्ध करो सी बराबर पी ई सॉरी थीटा होता है। तो दोस्तों हमारा प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, उनको भी एग्जाम देना होगा तो उनको भी सहायता प्रदान होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों तक। अगर आपको इसका सलूशन चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं कल सुबह तक इसका सलूशन प्रोवाइड करवा दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।